Pakistan's nefarious agenda of using religion to nurture and proliferate terrorism has deeply hurt the interests and ambitions of Kashmiris. They have not just been suffering to the violent anti-India campaigns launched by Islamabad, but a systematic design has also crushed their movement seeking freedom from the clutches of Pakistan. The Kashmiri leaders who left the region after Pakistan's establishment hounded them accuse Pakistan of using the gullible youth of Kashmir as cannon fodder to wage a war against India. They say that Kashmiri youth is brainwashed in the name of religion. जब 90 के दहाई में मिलिटेंसी शुरू की गई वैली के अंदर, तो हमारी जो पार्टी है मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, हमारा एक वाज़े मौक़िफ था कि ये कश्मीरियों की आज़ादी की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार है और हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इससे कश्मीरियों को कुछ नहीं मिलना, ये कश्मीरियों की तबाही और बर्बादी की जंग होगी। लेकिन जो जिस तरह मैंने कहा, जो तारीखी मगालतों का शिकार हैं, जो आज भी कन्फ्यूज़ हैं कि उनको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, वो उस वक़्त अलकताल अलकताल अल जहाद के नारे लगा रहे थे। और हम ये समझते थे कि चूँकि रियासत जम्मू एंड कश्मीर कसीरल मजहबी और कसीरल कौमियती और कसीरल कल्चरल जो है ना मल्टी कल्चरल स्टेट है, तो उसके अंदर मज़हब को हवा देने का मतलब ये है कि आप उस रियासत की तकसीम की बुनियादें मजबूत कर रहे हैं, जो पहले से ही कहीं ना कहीं मज़ाहिब के दरमियान छोटे मोटे इख्लाफात होते हैं, तो उनको आप जब हवा देंगे तो उसका मतलब ये है कि आपको उस रियासत के लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है या उसको आप यूनाइट नहीं करना चाहते। The organizations like Lashkar-e-Tayyaba, which are now amongst most dreaded terrorist groups, were floated in the 80s in the name of Kashmiri welfare. But everybody knows what they are fighting for. Locals say that their movement was crippled by such organizations, as Kashmiris were dubbed internationally as terrorists and the region became infamous due to this only. हम चीख चीख के ये कहते रहे कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के खुफिया अदारे जिनको जम्मू कश्मीर के अंदर स्मगल कर रहे हैं, इनसे हमारी कौमी आज़ादी की तहरीक जो है वो सबोताज हो रही है। ये कौमी आज़ादी से हट के दुनिया इसको एक दहशतगर्दी के उस पर देख रही है, हमारी कोई बात नहीं मानेगी। और फिर 9/11 के बाद वो सब जब कुछ मंजर आम पर आया, हमारी तहरीक जो है बहुत पीछे चली गई, हमारी कुर्बानियों पे पानी फेर दिया गया। हम तब भी सरापा एहतजाज थे, आज भी सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू होल्ड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कश्मीर अंडर इट्स कंट्रोल एंड इट हैज बीन मेटिंग आउट अ नोवेल ट्रीटमेंट टू द पीपल लिविंग हियर। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड आर नॉट गिवन सर्विसेज एंड फैसिलिटीज एट पार विद द पीपल इन द अदर पार्ट्स ऑफ द रीजन। They do not have any representation in the parliament and their pleas and demands are not rendered any attention. They are not eligible for even key posts in the region. The ruling dispensation, which had promised of undoing the wrong done with Kashmir, has not just been ineffective but has stepped up cruelty to a newer level, which has induced unprecedented plights for the people. As of now, the future of the occupied Kashmiris hangs in balance with no light at the end of the tunnel.